फंडेड नेक्स्ट का स्टेलर प्रोग्राम, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इसके बारे में और आने भी चाहिए क्योंकि जिस तरह के प्लान्स ये लेके आए हैं उसने पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है सीरियसली। इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं फंडेड नेक्स्ट का जो स्टेलर प्रोग्राम है उसका, और साथ ही इस वीडियो में अनाउंस करने वाले हैं गिव अवे जो कि 5 लोगों को मिलेगा और 6000 $5 के 5 अकाउंट जो है गिव अवे में दिए जाएंगे। और उसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, कुछ आसान से रूल्स हैं वो मैं आपको वीडियो में फर्दर बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फंडेड नेक्स्ट के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता फंडेड नेक्स्ट क्या है, तो ये एक प्रॉप फर्म है जो कि फॉरेक्स ट्रेडर्स को, जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, उनको कैपिटल प्रोवाइड करती है। और फिलहाल अगर रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दुनिया के जो टॉप ब्रांड हैं उसमें जो है 3rd नंबर पर फंडेड नेक्स्ट का नाम आता है। बाकी बात करते हैं इनके मॉडल्स की, तो इनके पास 3 तरह के प्लान हैं जिसमें पहले इवैल्यूएशन और एक्सप्रेस 2 मॉडल थे। अब फिलहाल जो ऐड कर रखा है वह है स्टेलर प्रोग्राम जिसके बारे में ये रिव्यू होने वाला है, क्योंकि जो बाकी इवैल्यूएशन और एक्सप्रेस थे वो पुराने मॉडल हैं और वो कन्वेंशनल है। तो इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करेंगे स्टेलर प्रोग्राम के बारे में। अब स्टेलर प्रोग्राम में इन्होंने जो टाइम लिमिट थी चैलेंज पास करने का वो हटा दिया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेट्स सी क्या क्या है। एक बार हम चेक करते हैं, यहाँ पर ये मेरे सामने कुछ प्लान्स हैं। $6,000 से प्लान स्टार्ट होता है और $2,000 मैक्सिमम जो सबसे बड़ा अकाउंट है स्टेलर प्रोग्राम में। तो आपके सामने MT4 और MT5 दोनों प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर स्वैप अकाउंट और स्वैप फ्री अकाउंट का ऑप्शन भी अवेलेबल, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप यहां पर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने स्वैप अकाउंट को ही सेलेक्ट कर रखा है। और यहां पर स्टेप्स की बात करें तो दोनों तरह के प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल हैं। स्टेप 1 जिसमें एक ही बार आपको चैलेंज पास करना है, और स्टेप 2 जिसमें आपको फेज 1 और फेज 2 दो फेज से निकलना होता है इवैल्यूएशन चैलेंज पास करने के लिए। ठीक है, अब फिलहाल के लिए मैं फेज 2 यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। अब हम यहाँ पर प्लान्स को देखते हैं। जो प्लान्स हैं वो दोनों में सिमिलर हैं और उनके जो इन्वेस्टमेंट है, जो आप प्राइस है वो भी सेम है दोनों का। ठीक है, सबसे पहली बात 15% का प्रॉफिट शेयर आपको मिलेगा। डेमो फेज से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी फर्स्ट फेज से जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो तब से आप जो भी डेमो फेज में प्रॉफिट अर्न करते हैं उसका 15% आपको मिलता है। ये कब मिलता है इसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे। बात करते हैं प्रॉफिट टारगेट की। फेज 1 में आपके सामने 8% का टारगेट है अचीव करने के लिए, और फेज 2 में आपके सामने 5% का मैक्सिमम डेली लॉस आपको मिलेगा 5%, और मैक्सिमम ओवरऑल जो ड्रॉडाउन है वह 10% का। और सबसे बेहतरीन चीज यहाँ पर ड्रॉडाउन टाइप जो है वो बैलेंस बेस्ड, मतलब आपकी एक्विटी वाला जो ड्रॉडाउन कंसिडर किया जाता है मोस्ट ऑफ दी प्रॉप फॉर्म्स में, तो यहाँ पर वो चीज़ हटा दी गई है। मतलब आपका जो ड्रॉडाउन है वो पिछले बैलेंस के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा, जो कि बेहतरीन है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। अब टाइम लिमिट की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि स्टेलर प्रोग्राम में इनके पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। आप चाहें तो अनलिमिटेड टाइम लीजिए, कितना ही छोटा आप रिस्क लीजिए, आपको टारगेट अचीव करने के लिए कोई भी पुश नहीं किया जाएगा कि आपके पास लिमिटेड टाइम है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 दिनों की ट्रेडिंग आपको करनी है मिनिमम। और कमीशन आप देख सकते हैं बहुत ही लोएस्ट यहाँ पर कमीशन के पास है। अगर आप फॉरेक्स पे या फिर कमोडिटीज पर ट्रेड करते हैं तो $3 का यहाँ पर आपको कमीशन देना होगा। इसके अलावा जो इंडिसीज है वहां पर आप बिना कमीशन के ट्रेड कर सकते हैं। प्रॉफिट स्प्लिट पे भी ये रूल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 90% तक का प्रॉफिट स्प्लिट आपको मिल सकता है इसमें, जो स्टार्ट होता है 80% से। तो उसके बाद वो फर्दर आगे मूव होता है जैसे आप अकाउंट में प्रोग्रेस करते हैं। लेवरेज है 1:100 का, जो कि बहुत है। इसके अलावा न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, वीकेंड होल्डिंग अलाउड है, एक्सपर्ट एडवाइजर आप यूज कर सकते हैं, यानी रोबोट से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप कॉपी कर रहे हैं, मल्टीपल अकाउंट आपके पास हैं प्रॉफर्म के, तो आप ट्रेड कॉपियर भी यूज कर सकते हैं, वो भी अलाउड है। बाकी रिसेट का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा 10% का। ये तब होता है जब आप कोई चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या फिर कोई रूल वायलेट कर देते हैं, तो उसके बाद अगर दोबारा ट्राई करना चाह रहे हैं तो फिर आपको सेम प्राइस पे इनका जो प्लान है वो ना लेके आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है, और जो आप फी पे करेंगे वो 100% रिफंड आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब रिटेक्स की बात करें तो रिटेक्स का यहाँ पर कोई भी सवाल नहीं उठता क्योंकि आपके सामने टाइम लिमिट है ही नहीं, तो रिटेक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर चलेगा नहीं इस पर। और प्राइसेस की बात कर लेते हैं तो $6,000 का अकाउंट आपको पड़ेगा फर्स्ट टाइम अगर आप परचेज कर रहे हैं, तो $59 का आपको ये पड़ेगा। और ऐसे ही $200,000 जो सबसे बड़ा अकाउंट है वो है 999 का, यानी $999 का। इनफैक्ट ये चीज़ सबसे अच्छी लगी कि जो टाइम लिमिट हटाने के बाद भी इनके जो प्लान्स हैं वो काफ़ी
कॉम्पिटिटिव है और कॉस्ट इफेक्टिव है, और दूसरा इनका जो प्लान है वो बजट फ्रेंडली भी है। मतलब 6000 $ से भी आप ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं करना चाहते और आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप छोटे अकाउंट को भी स्केल करके बड़ा बना सकते हैं, तो आप छोटे से अमाउंट से भी ट्राई कर सकते हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर बजट का भी ख्याल रखा इन्होंने, जो भी प्लान निकाले हैं उसको निकालने से पहले। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसा क्या है फंडेड नेक्स्ट में जो बाकी प्रोफर्म में नहीं है, जो की हाइलाइट्स हैं। ठीक है, पहली चीज़ 15% प्रॉफिट स्प्लिट, जो कि इनका एक की एरिया है, क्योंकि 15% का जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो अभी तक किसी प्रोफर्म ने लगभग मेरे नज़र में देना स्टार्ट नहीं करा है, वो भी डेमो फेज से। मतलब अगर आप 100,000 $ का अकाउंट कर लेते हैं और इवैल्यूएशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको जो है केवल 15% का मतलब है कि $1,500 तो ये आपको पे करेंगे केवल डेमो फेज का ही अमाउंट जब आप पे आउट लेते हैं। हाँ, इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको जो ये 15% जो डेमो फेज का प्रॉफिट है स्प्लिट, ये आपको मिलेगा 5% अचीव करने के बाद। मतलब आप लाइव ट्रेड जब भी स्टार्ट करेंगे उसमें 5% गेन कर लेते हैं तो आपको ये प्रॉफिट लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, विच इज़ रियली ग्रेट। क्योंकि प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आपको एक कंडीशन निकालनी होती है, और 5% का टारगेट, आई डोंट थिंक, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं और आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक किसी अकाउंट को परचेज कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स 5% तक ही आप स्टिक नहीं रहेंगे। जब भी आपका 5% अचीव होता है, इसके लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको एक महीने का या दो महीने के अंदर करना है, नहीं, आप जितना भी टाइम लीजिए। जैसे ही आप 5% अचीव कर लेते हैं तो आपका जो 15% स्प्लिट था वो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा, टाइम लिमिट की बात हम कर ही चुके हैं कि कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, तो ये एक की हाईलाइट है स्टेलर प्रोग्राम का। इसके अलावा हम बात करते हैं बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन की। जी हाँ, ये चीज़ कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक ब्लेसिंग है स्विंग ट्रेडर्स के लिए, या फिर ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय तक ट्रेड्स को होल्ड करते हैं उनके लिए। जो इक्विटी बेस्ड जो ड्रॉडाउन होता था उसमें आप प्रॉफिट में भी होते हैं, उसके बाद भी जब पुल बैक आता है तो उस टाइम पर आपका अकाउंट वायलेट होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ आपके सामने नहीं रहेगी। आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, जस्ट दैट कि आपको ओवरऑल जो डेली का रिस्क है वो आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आपने डेली रिस्क को ध्यान में रखा है तो फिर आप पुल बैक पे जो आपका जो ड्रॉडाउन है वो जब भी फ्लैक्चुएट होता है उससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बात करते हैं स्प्रेड और कमीशन की, तो यहाँ पे भी ये लीड करते हैं। कमीशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, $3 पर लॉट पे आपको जो है ट्रेड करने का मौका मिल रहा है फॉरेक्स और कमोडिटीज़ पर, और इंडिसीज अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके मज़े मज़े हैं क्योंकि वहाँ पर आपका कोई भी कमीशन चार्ज नहीं होना है। और स्प्रेड की बात करें तो स्प्रेड इनका रॉ स्प्रेड है जो कि काफ़ी टाइट है, और इनका जो टाइप है ब्रोकरेज का वो है 8 कैप के साथ, जो कि एक लीडिंग ब्रोकरेज सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें टारगेट की, तो टारगेट में भी देखा जाए तो ऐसा कोई बड़े टारगेट नहीं दे रखे हैं। 8% और 5% का टारगेट है टू फेज की अगर हम बात करें, तो जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। और जिस तरह का ड्रॉडाउन है, देखिए 5% का डेली ड्रॉडाउन है और ओवरऑल 10% है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 1:1 का नॉर्मली टारगेट रखते हैं लोग प्रॉफर्म इंडस्ट्री में, जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 10% का ओवरऑल है और 8% का टारगेट आपको जो है अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं 1:1 से भी कम का टारगेट आपको अचीव करना है, विच इज़ रियली गुड। क्योंकि जहाँ पर बात होती है प्रॉफर्म में टारगेट अचीव करने की, वहाँ पर ये चीज़ देखा जाता है कि आपका ड्रॉडाउन कितना है। हो सकता है यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो 7% हो जाए या 6% हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना होगा कि आपको डेली लिमिट कितनी मिल रही है और आपको ओवरऑल ड्रॉडाउन कितना मिल रहा है। अगर आपके सामने ओवरऑल ड्रॉडाउन 6% का है और डेली का 3% का है, तो आप देखिए अगर आप यहाँ पर टारगेट 6% भी लेके चलते हैं वो भी आपके सामने हार्ड हो जाएगा। क्यों? उसका रीज़न है कि आपके सामने आपको काम करना है रिस्क टू रिवॉर्ड पर, राइट? अगर आप 1:1 से ज़्यादा आप टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपके सामने जो है टफ पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं कस्टमर सर्विस की, तो ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं, और जैसे ही आप यहाँ पर इनसे टॉक टू एजेंट पर क्लिक करेंगे चैट पे, तो आपके सामने सीधा लेस देन 20 सेकेंड या 30 सेकेंड्स आपको जो है यहाँ से रिस्पांस मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, आपके सामने मैंने केवल 10 सेकेंड भी नहीं हुए हैं, आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि आपको जो है रिस्पॉन्स मिल चुका है, तो काफ़ी फास्ट है। हमेशा कस्टमर सर्विस इनका स्ट्रॉन्ग पिलर रहा है, तो विच इज़ रियली ग्रेट। ठीक है, तो इनको मैं लिख देता हूँ कि ये टेस्टिंग के लिए था।
ये सारी चीजें होगी टू स्टेप में, और अब बात करते हैं स्टेप वन, यानी स्टेप वन में एक ही बार आपको चैलेंज पास करना है। अब यहां पर देखिए बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, लेकिन स्टेप वन में एक चीज बदल जाती है कि आपका प्रॉफिट टारगेट 10% का रहता है। मतलब एक ही बार आपको टारगेट अचीव करना है, दो फेज से नहीं निकलना है, तो यहां पर आपका ड्रॉडाउन भी थोड़ा अलग है। 10% अचीव करना है और आपको ड्रॉडाउन मैक्सिमम मिलेगा 6% का, और डेली ड्रॉडाउन मिलेगा आपको 3% का। तो अगर मैं कंपेयर करूं पर्सनली, तो मैं जाऊंगा दो स्टेप का जो चैलेंज है उसमें, क्योंकि आपके सामने वहां पर ड्रॉडाउन ज्यादा है और रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहीं ना कहीं एक ट्रेडर अगर वो देखेगा तो आप जरूर जो है स्टेप जो टू है उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं एक ही बार में कंप्लीट करना तो आप देख सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज और यहां पर है, लेवरेज भी आपको जो है 1:30 का ही मिलेगा, और बाकी लॉट्स जो कमीशंस हैं स्प्लिट है वो सारी चीज़ें सेम रहेगी, और आपको 15% का जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो भी डेमो फेज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, कुछ दो तीन चीज़ें से टारगेट है और लेवरेज है बस, बाकी प्राइसेस भी सेम रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप स्टेप टू की तरफ जाएं। अब बात करते हैं अगर आप एक प्रॉप फर्म की तलाश में है तो फंडेड नेक्स्ट आपकी आखिरी चॉइस हो सकती है। क्यों? आपके पास अगर बजट प्लान है तो आप बजट प्लान भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वहीं अगर आपके पास बड़ा प्लान लेने का ऐसा कुछ प्लान है तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। टाइम लिमिट के लिए जो आज तक हमेशा एक ऑब्लिगेशन रही है कि जिसके चलते हम ज़्यादा रिस्क लेते हैं, वो चीज़ यहाँ पर हट चुकी है। आप सालों ले लीजिए और बहुत ही बिल्कुल मिनिमम सा रिस्क लीजिए, लेकिन आपका टारगेट अल्टीमेटली होना चाहिए कि आप ड्रॉडाउन में कम जाएं और आपका जो टारगेट है उसको अचीव करने में ज़्यादा ध्यान दें, रेदर देन कि आप रिवेंज ट्रेडिंग या फिर जो एक टाइम लिमिटेड ट्रेडिंग होती है उससे बियॉन्ड चले जाएं। इसीलिए स्टेलर प्रोग्राम पिक्चर मार्क, अगर इनका कोई भी प्लान ट्राई करना चाह रहे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फर्स्ट टाइम अगर आप परचेज कर रहे हैं तो इसका कूपन कोड भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं, 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा किसी भी इवैल्यूएशन चैलेंज में। ओके, अब बात करते हैं गिव अवे की। 5 लोगों को $6,000 का जो स्टेलर प्रोग्राम है ये गिव अवे में दिया जाएगा। इसके लिए टाइम भी ज़्यादा है नहीं, आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ 11 तारीख को और 11 जून को, तो ये वैलिड रहेगा 21 तारीख तक। 5 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे और हर एक को मिलेगा $6,000 का स्टेलर प्रोग्राम जो कि फंडेड नेक्स्ट का होगा, ठीक है। इसके लिए सिंपल से 3 रूल हमने रखे हैं, पहला कि आप सब्सक्राइब्ड हो, और दूसरा वीडियो को लाइक, और तीसरा कमेंट बॉक्स में जाएं और एक कमेंट कर दें कोई सा भी, बस गाली नहीं होनी चाहिए। और आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि आपका हर एक कमेंट जो है हमें मोटिवेट करता है कंटेंट बनाने में। कोई भी कमेंट आप लिखें, कोई फीडबैक सजेशन, एवरीथिंग इज ओपन, और वहीं से हम रैंडमली पिक करेंगे 5 लोगों को 21 तारीख के दिन, ठीक है। और उसी दिन 5 विनर्स अनाउंस किए जाएंगे और उनकी अकाउंट डिटेल या फिर क्रेडेंशियल जो है वो अगले 1 हफ्ते के अंदर सेंड कर दी जाएगी। तो ये तो रहा गिव अवे में कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसके अलावा बात कर लेते हैं फंडेड नेक्स्ट का जो ट्रस्ट रेटिंग है उसके बारे में। तो फिलहाल अभी मैं हूँ ट्रस्ट पायलट पर, और आप देख सकते हैं लगभग 5,000 से भी ज़्यादा लोगों ने रिव्यू करा है फंडेड नेक्स्ट को, और 4.7 की एक्सेलेंट रेटिंग है, वेरीफाइड कंपनी का टैग यहाँ पर है। तो कुल मिला के ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थम्स अप है, ग्रीन फ्लैग है फंडेड नेक्स्ट के लिए। अब फाइनली हम बात करते हैं क्या फंडेड नेक्स्ट का स्टेलर प्रोग्राम ट्राई करने की वर्थ है या नहीं है। उसका सिंपल सा आंसर है यस। अगर आप कंपैरिजन भी करेंगे अदर प्रॉप फर्म से तो इनके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी यूनिक हैं, और स्पेशली 15% का जो प्रॉफिट स्प्लिट आपको दिया जा रहा है डेमो फेजेस से। सिंपल सा एक ही चीज़ आपको बोलूँगा कि आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर होने चाहिए बस। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंसिस्टेंसी आप इवैल्यूएट कर चुके हैं, उसके बाद आपको केवल कैपिटल की कमी है, तो फंडेड नेक्स्ट आपके लिए एक सबसे अच्छी चॉइस हो सकती है। सो गाइस, ये रहा कंप्लीट रिव्यू फंडेड नेक्स्ट के स्टेलर प्रोग्राम का। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।